हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 36। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन से ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालना चाहिए, तुम लोगों को बहुत ईजी प्रोसेस बताऊंगा स्टूडेंट। तो सिर्फ तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो कि तुमको दो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ये दो फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए तुमको सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस ए बी सी का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, निकालने के लिए तुमको पहले क्या करना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, तुमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। तो तुमको कैसे करना चाहिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर में तुमको लिखना है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 14, तो यहाँ पर लिखना है 14। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 6, तो यहाँ पर लिखना है 6 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर में लिखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर माइनस है, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेना है और 14 को राइट साइड में तुमको ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब क्या है 36, और प्लस 14, यहाँ पर प्लस 14 है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने से क्या होगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हो जाएगा 36 से 14 माइनस करो तो हो जाएगा क्या होगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई फॉर्म है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा, 11। इसके बाद इस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो इस फॉर्मूला अप्लाई करने से ए बी सी का वैल्यू इजी से निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तुमको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पर कैसे लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पर माइनस तुमको कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिखने से क्या होगा, तुम्हारा बहुत फायदा होगा, ठीक है। बहुत डायरेक्टली तुम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या है, 36, यहाँ पर 36 लिखो, माइनस 3ABC यहाँ पर लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, कितना है, 6, यहाँ पर 6 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 14, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 14 लिखना है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू क्या कितना मिला, 11, तो यहाँ पर 11 लिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर फिर से लिखना है 36 माइनस 3ABC और 14 से 11 को माइनस करने से मिलेगा 3 एंड 6 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 18, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो माइनस 3ABC लेफ्ट साइड में तुमको लिखना है और 36 को राइट साइड में तुमको
ट्रांसपोज करना है, मतलब 18 माइनस 36 होगा। तो इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, माइनस 18। तो माय डियर स्टूडेंट, माइनस 3abc का वैल्यू हो जाएगा माइनस 18। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो abc का वैल्यू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 18 बाय 3। तो इसको डिवीजन करने से मिलेगा 6। तो abc का वैल्यू होगा 6। सो माय डियर स्टूडेंट, abc का वैल्यू कितना मिला, 6। सो आवर आंसर इज कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस ट्रिक्स, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।